हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, क्या हाल है सब लोगों के। एक सेकंड जस्ट। चलो भाई, सब सब बढ़िया होंगे आई होप। सो आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग, कल हम लोगों ने, आई थिंक लास्ट क्लास में हम लोगों ने इंडेक्स नंबर क्या करा था, स्टार्ट करा था, और हमने इंडेक्स नंबर के बारे में डिस्कशन भी करा था, उसके बेसिक्स, उसके बारे में पंचायत करी थी, पापा लोगों के एग्जाम्पल लिए थे। बेसिकली हमने बोला था कि इंडेक्स नंबर एक प्रकार से क्या करता है, कंपैरिजन करता है। क्या करता है? कंपैरिजन पास्ट की जो प्राइजेस है, ठीक है ना, उसके साथ हम आज का क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, ठीक है ना, कि भाई जो पास्ट की प्राइजेस है उसके मुकाबले आज की जो प्राइजेस है, ठीक है ना, वो कितनी बढ़ी है, कितनी कम हुई है, यानी पहले की जो महंगाई थी वो कि आज की तारीख में अगर बढ़ी है या कम हुई है। ये सारे कंपैरिजन हम एक इंडेक्स नंबर, जो कि एक परसेंटेज फॉर्म में क्या होता है, डिनोट होता है, उसकी मदद से हम करते हैं। कल हमने एक बहुत बेसिक टर्म्स में इसमें बातचीत करे थे, आज मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा तो आपको क्लैरिटी ज़्यादा आएगी। बट बिफोर स्टार्टिंग प्रैक्टिकली, एक चीज़ मैं आपको क्लियर क्लियर समझा देता हूँ पहले, कि इंडेक्स नंबर में कुछ टर्म्स होती है, वो टर्म्स आपको समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। तो आज हम पूरा प्रैक्टिस करेंगे, निकालना सीखेंगे, तो आपको क्लैरिटी बहुत ज़्यादा आ जाएंगी। देखो यहाँ पे जब मैं बात करता हूँ P1 की, जब मैं यहाँ पे बात करता हूँ किसकी, P1 की, तो P1 का मतलब होता है प्राइजेस ऑफ करंट ईयर। जब मैं बात करता हूं P0 की, तो यहां पे मतलब होता है P0 का प्राइजेस ऑफ बेस ईयर, ठीक है। तो P1 का मतलब हो गया प्राइजेस ऑफ करंट ईयर, P0 का मतलब हो गया प्राइजेस ऑफ बेस ईयर। प्राइजेस ऑफ करंट ईयर का मतलब वो ईयर, जो ईयर को आप कंपेयर करना चाहते हो, मतलब आज जो आज चल रहा है, आप अपने आप को अपने पापा से कंपेयर करना चाहते हो। तो आपके पापा जब थे तो वो लोग 10 रुपए 20 रुपए में अपना काम चला लिया करते थे, तो उससे आप अपने आप को आज के अपने खर्चे को कंपेयर कर रहे हो। तो जिसको आप कंपेयर कर रहे हो, दैट इज P1, मतलब करंट ईयर की बात, जिससे आप करंट कंपेयर कर रहे हो, ये से ये कोसे मैंने आपको पहले भी बताया था, जिससे आप कंपेयर कर रहे हो, दैट इज नथिंग बट आपका बेस ईयर। तो यहां पे हम क्या बोलते थे, ये जीरो बेसिकली स्टैंड फॉर बेस ईयर, ये जीरो जो स्टैंड करता है, ये डिनोट होता है जीरो, बेसिकली ये बताता है बेस ईयर की बात, तो इसलिए हम बोलते हैं इसको P0, मतलब प्राइजेस ऑफ बेस ईयर। ये 1 डिनोट करता है आज की प्राइजेस, करंट ईयर की प्राइजेस, इसलिए हम उसको वर्ड दे देते हैं P1, ठीक है ना, प्राइजेस ऑफ करंट ईयर। आई होप इट इज क्लियर। अब जब भी यहां पे मेरे को ये कंपैरिजन निकालना रहता है ना, तो वो मैं निकालता हूं P01 की मदद से, काहे की मदद से निकालता हूं, P01 की मदद से। दिस इज नथिंग बट कॉल्ड एज प्राइस रिलेटिव, इसको कहा जाता है प्राइस रिलेटिव। प्राइस रिलेटिव का मतलब क्या हो गया, कि आप करंट ईयर की प्राइस को बेस ईयर की प्राइस से कंपेयर कर रहे हो, इसीलिए हम इसको P01 बोल रहे हैं, इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, P01 बोल रहे हैं, क्लियर। तो इसको बोला जाता है P01 को प्राइस रिलेटिव। प्राइस रिलेटिव मतलब क्या हो गया, प्राइसेस ऑफ करंट ईयर को हम बेस ईयर से क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, इसलिए हम उसको बोलते हैं P01। क्या बोलते हैं उसको, हम P01। बेसिकली ये P01 जो है, ये किस तरीके से निकाला जाता है, तो इसके लिए बोला जाता है जो भी आपकी करंट ईयर की प्राइजेस है उसको हम ऊपर लेंगे, जो भी आपकी बेस ईयर की प्राइजेस है उसको हम नीचे लेंगे। तो करंट ईयर की प्राइजेस को नीचे बेस ईयर की प्राइजेस से हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो यू विल गेट यूर वॉट, यू विल गेट यूर इंटू 100 कर देंगे, क्योंकि परसेंटेज फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो यू विल गेट यूर प्राइस रिलेटिव। एंड दैट प्राइस रिलेटिव शोज यू, दैट प्राइस रिलेटिव शोज यू, क्या शो करेगा, कि आपकी महंगाई बढ़ी है ओवरऑल या कम हुई है। देखो हम अगर एक एक प्रोडक्ट का करना चाहते हैं तो हम एक एक प्रोडक्ट का भी कर सकते, कि राइस की प्राइस पिछले साल 10 रुपए थी, इस साल राइस की प्राइस 15 रुपए है, तो मैंने एक एग्जांपल के लिए लिया, पिछले साल राइस की प्राइस कितनी थी, 10 रुपए थी, यानी बेस ईयर हो गया मेरा पिछले साल, इस साल की प्राइस है 15 रुपए इंटू 100, तो मेरा इंडेक्स नंबर कितना आ गया, 150 आ गया। तो 150 का मतलब क्या हो गया, कि महंगाई जो है वो कितने परसेंट से बढ़ी है, 50% से बढ़ी है। सर ऐसा क्यों, अरे बाबा बेस ईयर कितना रहता, 100, बेस ईयर का इंडेक्स नंबर क्या रहता, 100, लास्ट क्लास में बताया था। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ एक प्रोडक्ट की प्राइस कंपेरिजन की, लेकिन मैं अपनी पूरी कॉस्ट ऑफ लिविंग कंपेयर कर, लेकिन मैं अपनी पूरी कॉस्ट ऑफ लिविंग कंपेयर करना चाहता हूँ, सिर्फ मेरे को खाने के लिए चावल थोड़ी ना लगते हैं, मैं चावल के साथ साथ दाल सब्जी बहुत सारी चीजें क्या करता हूँ, कंज्यूम करता हूँ। सिर्फ चावल ऐसी चीज थोड़ी ना जो मैं कंज्यूम करता हूँ, उसके अलावा बहुत सारी चीजें जो मैं क्या करता हूँ, कंज्यूम करता हूँ, तो वो चीजों को भी कंसीडर करना जरूरी है। तो यहां पे हम क्या बोलते हैं, एक की प्राइस लेने से कुछ नहीं होगा,
हम सारे प्रोडक्ट्स की प्राइस लेते हैं, इसीलिए हम यहाँ पे क्या ऐड कर देते हैं, समेशन ऐड कर देते हैं। क्या ऐड कर देते हैं यहाँ पे हम, समेशन। समेशन ऐड करने का मतलब ये होता है कि आप कोई एक या दो प्रोडक्ट की प्राइसेस को कंपेयर नहीं कर रहे हो, आप कोई एक या दो प्रोडक्ट की प्राइसेस को नहीं ले रहे हो, आप क्या कर रहे हो, सारे प्रोडक्ट की प्राइसेस को कंसिडर कर रहे हो। तो यू आर कंसिडरिंग ऑल द प्रोडक्ट्स की प्राइसेस, यू आर नॉट ओनली कंसिडरिंग ओनली वन सिंगल प्रोडक्ट की प्राइसेस। आर यू गेटिंग माई वर्ड? तो P01 इज इक्वल टू समेशन P1 अपॉन समेशन P0 इंटू 100। क्लियर? तो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। सर कोई एग्जाम्पल एग्जाम्पल दो ना। कोई नहीं, इसी को एक्चुअली में बोला जाता है, ये जो मेथड है फर्स्ट वाली बेसिक मेथड कहलाई जाती है इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करने की, इसी सिंपल वाली मेथड को कहा जाता है सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। इस मेथड का ही नाम है सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। यानी बेसिकली अलग अलग मेथड से यहाँ पे जस्ट टू कैलकुलेट इंडेक्स नंबर। उसके रीजन बहुत सारे हैं, हम एक एक मेथड करते जाएंगे, आपको उसके अंदर प्रॉब्लम समझ में आती जाएंगी, ऑटोमेटिकली नई मेथड की आपको जरूरत समझ में आती जाएंगी, ठीक है ना। तो हम एक पहली मेथड करते हैं सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, ठीक है। तो उसके लिए हम प्रॉब्लम पहला वाला उठा लेते हैं, क्वेश्चन हमारी बुक में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 8.1 का। यहाँ पे देखो क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको मैं ले लेता हूँ क्वेश्चन को। ये आपका यहाँ पे क्वेश्चन ड्राफ्टेड है, क्वेश्चन देखो क्या बोलते हैं, कंप्यूट एन इंडेक्स फॉर 2013 टेकिंग 12 एज अ बेस। मतलब क्या हो गया, कंप्यूट एक इंडेक्स नंबर कंप्यूट करना है आपको 2013 का, 2012 को आपको क्या मानना है, बेस ईयर मानना है। तो यू आर कंसिडरिंग 2012 एज अ बेस ईयर, यानी आप 2012 की प्राइजेस से 2013 की प्राइजेस को कंपेयर कर रहे हो। सो बेसिकली मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या, 2013 इज नथिंग बट अ करंट ईयर एंड दिस इज अ बेस ईयर। P1 लिखने से अच्छा मैं लिख देता हूँ CY, मतलब करंट ईयर। इधर मैं इसको लिख देता हूँ बेस ईयर, मैं इसको बोल देता हूँ P1, इसको मैं नाम दे देता हूँ P0। मैंने गलत बोला क्योंकि प्राइजेस दिए 2013 की, प्राइजेस कब की, करंट ईयर की, तो P1 बोलूंगा। प्राइजेस कब की, बेस ईयर की, तो उसको क्या बोलूंगा, P0 बोलूंगा। यहां पे आपको अलग अलग कमोडिटीज दी हुई, कमोडिटी ए बी सी डी, ठीक है ना। कमोडिटी ए की प्राइस 2012 में इतनी थी, 2013 में बढ़ गई, कहीं आपको प्राइस बड़ी भी दिख रही है, कहीं आपको प्राइस नीचे में देखोगे तो कम दिख रही है, बट वो एक जानना है ना हमारे को। अगर आप सिंगल सिंगल आइटम की प्राइस देखना चाहोगे तो आप ये बोलोगे कि इस पर्टिकुलर कमोडिटी ए जो है, सपोज राइस है, तो ए की प्राइस 1 से 5 हुई है, बढ़ गई है, बी की 2 से 4 हुई है, बढ़ गई है, सी की सेम है, डी की 4 से 2 हुई है, कम हुई है। बट हमको एक दो प्राइस थोड़ी ना पता करनी है, हमको तो ओवरऑल प्राइसेस क्या करनी है, पता करनी है। ओवरऑल प्राइसेस का मतलब ही क्या हो जाता है, सारी की सारी प्राइस, पूरी की पूरी प्राइस। मतलब ये देखना है कि नेट में हमको कितना फर्क पड़ा है, क्योंकि कोई चीज कम हुई है, कोई ज्यादा हुई है, तो उससे नेट ऑफ थिंग में हमारे को, हमारी इनकम में क्या फर्क पड़ा, खर्चे में, सॉरी, पिछले साल में 5 रुपये खर्चा करता था, इस साल में कितना खर्चा करो। अगर आप देखोगे तो पिछले साल में अगर एक बात करूँ तो 1 रुपये 2 रुपये 3 6 और 4 10 रुपये खर्चा करता था, इस साल अगर आप देखोगे तो 5 और 4 9 और 3 12 और 4 14 रुपये में क्या करता हूँ, खर्चा करता हूँ। तो बेसिकली यही मैं बोल दूंगा, क्या ये P1 का क्या है, समेशन है। ये P0 का क्या है, समेशन है। सो दिस इज P1 का समेशन, दिस इज P0 का समेशन। क्लियर? हाँ या ना? अगर आप सिंगल सिंगल देखना चाहो तो सिंगल देख सकते हो, बट हम यहाँ ओवरऑल देख रहे हैं, तो ओवरऑल देखने की बात क्या करी, पिछले साल मैंने कितनी टोटल प्राइसेस पे करी थी वही आइटम्स खरीदने के लिए 4, इस साल वही सारे आइटम्स खरीदने के लिए मैंने कितनी प्राइसेस पे करी, मैंने यहाँ पे 14 यहाँ पे 10 निकाल लिया। तो मेरे को बेसिकली क्या निकालना पड़ेगा इसके लिए, P01। सर आपको कैसे मालूम पड़ा P01 निकालना पड़ेगा, देखो खुद बोल रहे हैं कंप्यूटर इंडेक्स
2013 टेकिंग 2012 एज अ बेस, मतलब ये प्राइस रिलेटिव की बात कर रहा है, दो चीज़ों की प्राइस देकर रखा है, एक ईयर की दूसरे ईयर की। जब वो कंपेरिजन करते हैं तो कंपेरिजन करने के लिए हमको P01 ही निकालना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड एज प्राइस रिलेटिव, दैट P01 इज कॉल्ड एज वॉट, प्राइस रिलेटिव। तो P1 का समेशन अपॉन P0 का समेशन इनटू 100, P1 की अगर मैं बात करूं तो यह आता है 14, यह आता है 10 इनटू 100, देयरफॉर P01 इज इक्वल्स टू 140। भाई 140 निकाल तो लिया आपने, लेकिन ये 140 का मतलब अपने हाथ से अपनी कॉपी में लिखो। दिस 140 का सिंपल सा मतलब होता है कि बेस ईयर में से मुकाबले 40% से अभी प्राइसेस क्या हुई है, इंक्रीज हुई है। दैट शोज कि बेस ईयर के कंपैरिजन में 40% प्राइसेस क्या हुई है, इंक्रीज हुई है। Why? क्योंकि बेस ईयर का इंडेक्स नंबर इज 100। लिखो वहां पे द प्राइसेस ऑफ करंट ईयर इज इंक्रीज्ड बाय 40%, द प्राइसेस ऑफ करंट ईयर इज इंक्रीज्ड बाय 40% एज कंपेयर टू बेस ईयर 2012, बिकॉज द बेस ईयर इंडेक्स नंबर इज 100, बिकॉज द बेस ईयर इंडेक्स नंबर इज 100 एंड करंट ईयर इज 140, दैट मीन देयर इज इंक्रीज ऑफ 40%। गेटिंग माई पॉइंट? तो एकदम आसान भाषा में अपनी भाषा में लिख सकते हो, बट लिखो जरूर, क्योंकि इंटरप्रिटेशन मेन है। फॉर्मूला तो ये जो आपने इंडेक्स नंबर निकाल दिए, दिस इज नथिंग बट योर इंडेक्स नंबर, दिस इज नथिंग बट योर इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर, ठीक है ना। ये आपका करंट ईयर का इंडेक्स नंबर है, बेस का तो हमेशा क्या रहेगा, 100 ही रहेगा। तो आपने इंडेक्स नंबर निकाल दिए, बट इंडेक्स नंबर निकालने से कुछ नहीं होने वाला। इंडेक्स नंबर निकाल दिए तो उसका मतलब समझना जरूरी है कि क्या हुआ है एक्चुअली में, समझा? अरे यस सर नो। तो ये हमने कौन सी मेथड से निकाले, ये हमने निकाले तुम्हारी सिंपल एग्रीगेटिव मेथड से। तो क्या सर एक ही मेथड है निकालने की, दूसरी मेथड नहीं है? नहीं, एक और मेथड है। नेक्स्ट मेथड का नाम है सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। ये थोड़ी सी और गहराई वाली मेथड है। इट इज कंस्ट्रक्टेड बाय टेकिंग एवरेज, दैट इज अर्थमेटिक मीन, मीडियन, मोड और ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ऑल प्राइस रिलेटिव्स। अब प्राइस रिलेटिव इज द रेशियो ऑफ करंट ईयर पीरियड प्राइस ऑफ सिंगल आइटम पी बेस ईयर। मतलब करंट प्राइस रिलेटिव का मतलब क्या होता है? प्राइस रिलेटिव का मतलब होता है P01। प्राइस रिलेटिव का मतलब क्या होता है? P01। तो बेसिकली ये जो इंडेक्स नंबर ये मेथड के थ्रू हम निकालेंगे, यहां पे तो हम डायरेक्ट डायरेक्ट क्या निकाल लेते थे, सबकी टोटल मारते, इसकी टोटल मारते, टोटल मार के हमने आंसर निकाल लिए। यहां पे थोड़ा सा हम अलग चलते हैं। यहां पे अलग क्या चलते हैं, यहां पे हम हर केसेस का पहले प्राइस रिलेटिव निकालते हैं। प्राइस रिलेटिव इज नथिंग बट P01 निकालते हैं। प्राइस रिलेटिव का मतलब ही क्या होता है भाई साहब, हम हर एक कमोडिटी का कमोडिटी वाइज, ए कमोडिटी, बी कमोडिटी, सी कमोडिटी, डी कमोडिटी, हम कमोडिटी वाइज सबका क्या निकालते हैं, प्राइस रिलेटिव निकालते हैं। एंड फिर वो प्राइस रिलेटिव का हम क्या करते हैं, एवरेज करते हैं। वो प्राइस रिलेटिव का हम क्या करते हैं, एवरेज करते हैं। I hope it is clear. So for illustration one, compute an index of 2013 of taking 12 as a base or by simple average price relative method. देखो नाम ही मेथड का है, सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव। अब देखो सबसे पहले हमको हर कमोडिटीज का प्राइस रिलेटिव निकालना पड़ेगा, उसके बाद हम उसका क्या लेंगे, प्राइस रिलेटिव का एवरेज लेंगे। अब प्राइस रिलेटिव का एवरेज मतलब आप कोई भी एवरेज निकाल सकते हो, अर्थमेटिक मीन बोला तो अर्थमेटिक, ज्योमेट्रिक बोला ज्योमेट्रिक, मोड, मीडियन, जो निकालना हार्मोनिक, बट यस अगर कुछ नहीं बोला है तो आप सिंपल एवरेज निकालोगे। कुछ स्पेसिफिकली बोला है तो आप वाला निकालोगे, नहीं बोला है कुछ तो आप सिंपल एवरेज निकालोगे। तो फॉर इलस्ट्रेशन वन, कंप्यूट एन इंडेक्स फॉर टेकिंग 2013 एंड टेकिंग 12 एज अ बेस ईयर, सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड यूजिंग अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन। मतलब क्या हो गया देखते हैं। देखो ये मेथड क्यों आई, ये भी तुम्हारे माइंड में डाउट आना चाहिए। थोड़ा प्रैक्टिकली सोच के देखो ये मेथड आई क्यों, जब ये मेथड ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है तो
तो ये मेथड आई क्यों? इसका सिंपल सा रीजन मैं आपको समझाऊँ, क्वेश्चन तो हमको ये सेम सॉल्व करना है, कुछ भी अलग सॉल्व नहीं करना है, यही वाले क्वेश्चन में करना है। लेकिन यहाँ पे तो ठीक है, एक ही एक ही क्वेश्चन में रिपीट कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि ये जो प्राइजेस है, ये हो सकता है ये पर्टिकुलर कमोडिटी जो पहले वाली दी हुई है, ये दी हुई है राइस, ये दिया हुआ है पेट्रोल, ये दिया हुआ है आपका मिल्क, ये आपका है रेंट, इसका यूनिट है केजी, इसका है लीटर, इसका है लीटर, इसका है रुपीस, सबके यूनिट्स अलग अलग है। और आप क्या कर रहे हो, अलग अलग यूनिट्स होने के बावजूद भी सबकी प्राइसेस को क्या कर दे रहे हो, टोटल मार दे रहे हो, और सब अलग अलग यूनिट है और टोटल मार के आप कंपैरिजन कर रहे हो। तो क्या ये पॉसिबल है कि जब यूनिट सेम ना हो तो क्या आप उसका टोटल करके उसका कंपैरिजन कर पाओ? तो आंसर इज नो। इफ मैं बात करता हूं प्राइस फर्स्ट मेथड की, तो फर्स्ट मेथड के अंदर वो ये हमेशा बोलती है कि ऐसे केसेस को हम यहां पे नहीं कर सकते, हम ये फर्स्ट मेथड तभी यूज कर सकते हैं जब हमारी प्राइसेस सबकी एक ही पर्टिकुलर यूनिट्स में हो। अगर मान लो सारी प्राइसेस अलग अलग यूनिट्स में गिवन हो, फॉर एग्जाम्पल, सो यू कैन नॉट यूज दिस मेथड, तो फर्स्ट मेथड कैन नॉट बी यूज। भाई मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं, बार बार बोल रहा हूं कि लिख के रखो सारी बातें, कि फर्स्ट मेथड कैन नॉट बी यूज जहां पे, फर्स्ट मेथड कैन नॉट बी यूज इन दोस केसेस वेयर द यूनिट्स आर नॉट सेम। अगर यूनिट सेम नहीं है तो यू कैन नॉट यूज फर्स्ट मेथड। पूछो वाई, पूछो ना वाई। सर वाई इसीलिए क्योंकि अगर आप टोटल कर रहे हो सारी प्राइसेस की और सबके अलग अलग यूनिट्स है, तो आप लीटर केजी सबको एक साथ ऐड नहीं कर सकते, दैट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि डिफरेंट यूनिट्स है। सो इसीलिए ऐसे केसेस के लिए हम लोग ये मेथड क्या नहीं कर सकते, यूज नहीं कर सकते। तो ऐसे केसेस में जहां पे यूनिट्स क्या हो, डिफरेंट हो, यूनिट सेम ना हो, लिखना तो लिख लेना, जहां पे यूनिट्स सेम ना हो, यूनिट्स आर नॉट सेम, तो वहां पे हम ये मेथड क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो वही क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा। क्वेश्चन नंबर टू भी जो है वो भी वही बोल रहा है कि वही क्वेश्चन को पकड़ लो बेस लेके, तो वही क्वेश्चन को मैं लेके यहां पे सॉल्व करूंगा। लेकिन अब मैं सॉल्व करूंगा किसकी मदद से, अब मैं सॉल्व करूंगा आपका प्राइस रिलेटिव की मदद से, सॉरी एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव। तो वो क्या बोलता है, आप एक काम करो, सबसे पहले आप इसमें एक और कॉलम ऐड कर दो, ये आपका हो गया P1, मैंने बोला ओके, बोले ये आपका हो गया P0, मैंने बोला भाई तू सही आदमी है, बिल्कुल सही बातें कर रहा है। अब ये हो गया, बोले इसके बाद आप एक काम करो, बोले एक और कॉलम ऐड कर दो, आंसर बना रहा हूं मैं, और उसको नाम दे दो प्राइस रिलेटिव। क्या नाम दे दो, बोले प्राइस रिलेटिव, दैट इज नथिंग बट P01। मतलब हम यहां पे हर केसेस का P01 क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। हम यहां पे हर केसेस का P01 क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो हर केसेस का जब हम P01 कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना, तो हमको हर केसेस में निकालना पड़ेगा। पहला वाला केस की बात करो तो P1 अपॉन P0 इंटू 100 विच इज इक्वल्स टू 5/1 इंटू 100, दैट कम्स टू 500 ही आएगा मेरे हिसाब से। तो आप देख लो 5/1 इंटू 100, सो भी कैलकुलेटर पे करना पड़ता ना, करते भाई, ठीक है ना। इधर अगर मैं बात करूँ तो फॉर्मूला वुड बी सेम, 4/2 इंटू 100, तो 4/2 इंटू 100 200। इसकी अगर मैं नीचे वाले की बात करूँ, थर्ड केस की, ये हो गया सेकेंड केस, थर्ड केस की अगर मैं बात करूँ तो 3/3 इंटू 100, ये तो हो गया सेम 100, और ये हो गया 2/4 इंटू 100, ये हो गया 50,
क्या हो गया ये 50। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, कमोडिटी ए बी सी डी सबका क्या निकाल दिया, प्राइस रिलेटिव निकाल दिया। और जब मैंने सबका प्राइस रिलेटिव निकाल दिया, हर एक कमोडिटी का मैंने क्या निकाल दिया, प्राइस रिलेटिव निकाल दिया, तो अब इन्हीं प्राइस रिलेटिव का दीदार दी प्राइस रिलेटिव ऑफ डिफरेंट कमोडिटीज। ठीक है, अब डिफरेंट कमोडिटीज, इसको देख के लगा नहीं तुमको सर, पहले तो मैंने डॉक्टर डॉक्टर तो नहीं थे, पूछे नहीं तुम मेरे को, बच्चे पूछते सर आप डॉक्टर डॉक्टर पढ़ रहे थे क्या पहले, फिर सीए में आए क्या, बोला नहीं भाई राइटिंग ऐसी है पर। क्लियर? तो अब यहाँ क्या करेंगे, हम इन्हीं का एवरेज निकालेंगे। एवरेज पहला वाला आपको क्या बोला, आप क्वेश्चन अगर ध्यान से पढ़ोगे तो आपको क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, कि आप पहले अर्थमेटिक मीन से सॉल्व करो फिर ज्योमेट्रिक मीन से। सो अर्थमेटिक मीन बोले तो 500 प्लस 200 प्लस 100 प्लस 50 डिवाइडेड बाय 4। सो आपका जो P01 आएगा फाइनल वाला, 500 प्लस 200 प्लस 100 प्लस 50 डिवाइडेड बाय 4, दैट कम्स टू 212.50। क्लियर? 212.50। गॉट इट और नॉट? क्लियर सर? दूसरी मेथड बोलती है आपको, ये हो गया अर्थमेटिक मीन से सॉल्व, दूसरी बोलती है आपको वही चीज सॉल्व करनी है ज्योमेट्रिक मीन से। मेरे को लगता नहीं है सॉल्व होंगे, लेकिन फिर भी 200 इंटू 100 इंटू नहीं सॉरी 500 इंटू 100 सॉरी 500 इंटू 200 इंटू 100 इंटू 50, इसका रूट फोर्थ वाला, देयरफॉर इज इक्वल्स टू 500 इंटू 200 इंटू 100 इंटू 50, रूट आ गया इसका एक बार दो बार आ गया 4149। सर दोनों का अलग अलग आया, हाँ दोनों अलग अलग तरीके से निकाले तो अलग अलग ही आएंगे ना। तो अगर आप इसकी बात करोगे तो मैं बोलूँगा यहाँ पे आपकी 112 गुना, 112% महंगाई क्या हो गई है, बढ़ गई है। 112% आपकी महंगाई यहाँ पे क्या हो गई, बढ़ गई है। केस के अगर हिसाब से देखोगे तो यहाँ पे मैं बोलूंगा आपकी महंगाई 49.53% क्या हुई है, बढ़ी है। तो ये इंटरप्रिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरप्रिटेशन अगर आपको समझ रहा होगा तो बस नथिंग लाइक दैट, बहुत ही अच्छा है। ठीक है ना, क्योंकि इंडेक्स नंबर तो आप फॉर्मूले याद कर लोगे निकल जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे हमने क्या करें, सबके प्राइस रिलेटिव निकाले फिर उसका आंसर निकाले, वो पहले वाले केस में हमने सबकी टोटल करके डायरेक्टली आपका आंसर निकाल लिए, तो वहां पे कोई दिक्कत की बात थी नहीं। ठीक है ना, क्लियर? ये तो बहुत चिल्लर चिल्लर मेथड थी, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। वेटेड ना इंडेक्स नंबर्स निकाले, इसमें भी मैं बोलता हूँ कुछ कमी है। इसमें कमी ये है कि भाई साहब यहां पे अगर आप देखोगे तो सबकी प्राइसेस दी हुई है। चलो सर आपने यूनिट्स की तो बात बता दी है कि मान लो अलग अलग यूनिट्स है तब तो हमारा आंसर निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हमने बोले अगर सेम यूनिट है तो हम क्या करेंगे, फिर सिंपल एग्रीगेटिव मेथड यूज करेंगे, और अगर अलग अलग यूनिट्स है तो हम प्राइस रिलेटिव वाली मेथड यूज कर लेंगे। आई बात समझ में? सर ऐसा भी तो हो सकता है ना, इनके साथ क्वांटिटीज भी हो, नहीं हो सकता है क्या? ऐसा भी तो हो सकता है इनके साथ क्वांटिटीज भी इन्वॉल्व हो, यानी एक आदमी एक कमोडिटी फॉर एग्जाम्पल राइस है, तो एक आदमी राइस खरीदता है 10 किलो, बी है वीट, वीट खरीदता है वो 15 किलो, सी है पेट्रोल, पेट्रोल डलवाता है वो 4 लीटर, डी है मिल्क, मिल्क लेता है वो 10 लीटर। बट अभी यहां पे क्या हो रहा है, चाहे आप पहले प्राइस रिलेटिव वाली केस की बात कर लो, चाहे आप किसकी बात कर लो, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड की बात कर लो, आप वेट तो कंसिडर नहीं कर रहे हो,
और जब आप वेट कंसिडर नहीं करते, दैट सिंपली मीन्स आप ये मान के चलते हो कि सबके वेट्स इक्वल है। मतलब मैं राइस भी उतना ही खरीदता हूँ, मैं वीट भी उतना ही खरीदता हूँ, मैं पेट्रोल भी उतना ही पीता हूँ, मतलब गाड़ी में डालता हूँ, मैं मिल्क भी उतना ही यूज करता हूँ। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, आप अगर यहाँ पे वेट्स नहीं कंसिडर कर रहे हो, तो वेट्स कंसिडर नहीं कर रहे हो तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका सिंपल सा मतलब हो गया भाई, मैं वेट्स कंसिडर नहीं कर रहा तो इसका सिंपल सा मतलब हो गया कि मैं वो सारी चीजें जो प्राइसेस यहाँ पे लिख के दी हुई है सबको, या तो एक एक किलो, दो दो किलो, पांच पांच किलो, कोई भी, मतलब सेम अमाउंट में, सेम क्वांटिटी में क्या करता हूँ, मैं यूज करता हूँ। इसीलिए मेरे लिए क्वांटिटी इतनी रिलिवेंट नहीं है, लेकिन क्या है प्रैक्टिकली इट इज पॉसिबल कि आप सेम अमाउंट सेम क्वांटिटी में यूज करोगे हर चीजें? जो चेन्नई साइड के लोग होंगे, साउथ साइड के, वो लोग राइस ज्यादा खाते होंगे, तो उनके लिए राइस की प्राइस ज़्यादा चेंज हो रही है तो बहुत बड़ा उनके खर्चे पे इंपैक्ट पड़ेगा। बट अगर आप इधर नॉर्थ साइड की और बाकी इधर की बात करो तो वो लोग राइस बहुत कम खाते, तो उनको राइस की प्राइस बढ़ने से इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। देखो अल्टीमेटली तो फर्क आपके क्वांटिटी कितनी यूज़ कर रहे हो उससे ही पड़ेगा ना। ऐसे तो मैच बॉक्स का प्राइस चार गुना हो गया, एक रुपये से दस रुपये हो गया, क्या तुम्हारे खर्चे में बहुत बड़ा फर्क पड़ जाएगा क्या? एक मैच बॉक्स लोगे, दो लोगे, दस रुपये का फर्क पड़ेगा, बीस रुपये का। लेकिन तुम सौ किलो गेहूं खाते हो महीने की और उसमें सिर्फ दो रुपये भी बढ़ जाए तो 200 रुपये का फर्क पड़ेगा तुम्हारे खर्चे पे। तो बेसिकली व्हाट इज इंपॉर्टेंट इन दिस केस इज ऑल्सो, बेसिकली क्या इंपॉर्टेंट है इस केस में, वो ये कि आपको साथ में क्वांटिटीज भी कंसिडर करनी चाहिए, क्योंकि उसके हिसाब से मालूम पड़ेगा ना कि आपका खर्चे पे आपकी महंगाई जो है वो कितनी बड़ी है, कितनी कम हुई है। नहीं तो आपको तो ये कभी समझ में नहीं आएगा, आप तो सिर्फ प्राइसेस प्राइसेस का ही पिपड़ा बजाते रहोगे। लेकिन आप एक बंदे के ऊपर अगर बात करोगे तो वो बंदे के लिए तो भाई मैटर ये करेगा ना कौन सी चीज़ क्या कितनी यूज़ कर रहा है वो। अभी तुम देखते हो गैसेस की प्राइस, गैस की सिलेंडर की प्राइस 100-100 रुपये बढ़ जाते हैं, तो भी धींगाने तो होते हैं, 50 रुपये बढ़ते हैं तो धींगाने होते, इतने नहीं होते बट क्योंकि वो एक या दो सिलेंडर यूज करता है कोई बंदा। बट पेट्रोल की प्राइस में 2-5 रुपये भी ऊपर नीचे होते हैं, वैसे तो पेट्रोल को तो आग लगा दी आजकल, लेकिन फिर भी भगवान ही जाने क्या है कितने बढ़ेगा, और लेकिन फिर भी लोग दिखाने बहुत करते हैं क्योंकि भाई वो पेट्रोल इतनी ज्यादा क्वांटिटी में यूज होता है ना। तो हर चीज के क्यूज अलग है, उसके हिसाब से प्राइसेस भी क्वांटिटीज में अलग अलग यूज होती है, तो बट ऑब्वियसली चेंज का फर्क भी अलग अलग पड़ेगा सब में खर्चे पे। तो इसीलिए हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे किसको कंसिडर कर ले, प्राइसेस को कंसिडर कर ले, वो सही बात नहीं है, वो गलत बात लगती है। इसीलिए साथ साथ में हम किसको भी कंसिडर करना पसंद करते हैं, यहाँ पे क्वांटिटीज़ को भी कंसिडर करना पसंद करते हैं। तो वो बोलता है कि यस आप यहाँ पे क्वांटिटीज़ को भी क्या करो, कंसिडर करो, तो यू कैन कंसिडर द क्वांटिटीज़ एज वेल। ठीक है, तो आप क्वांटिटीज़ को यहाँ पे क्या कर सकते हो, कंसिडर कर सकते हो, क्वांटिटीज़ को भी यहाँ पे क्या कर सकते हो, कंसिडर कर सकते हो। तो वो क्वांटिटीज़ को कंसिडर करने के लिए ये दो मेथड कारगर नहीं है, तो इसीलिए ईजाद हुआ है वेटेड एवरेज मेथड का। इसीलिए इजाद किसका हुआ है, वेटेड एवरेज मेथड का। तो वेटेड एवरेज मेथड इंडेक्स नंबर जिसको हम बोलते हैं, बेसिकली वहां पे प्राइस और क्वांटिटीज दोनों यूज होंगी, इसीलिए उसको वेटेड बोला जाता है। आप लिख सकते हैं बीच में कि वेटेड क्यों बोला गया, क्योंकि यहाँ पे क्वांटिटीज भी प्राइस के साथ क्या हो रही है, यूज हो रही है एज अ वेट्स। तो वी आर कंसिडरिंग क्वांटिटीज एज अ वेट्स वाइल कंपेयरिंग द प्राइजेस, वाइल कैलकुलेटिंग द प्राइस रिलेटिव। सो अब हम जो P01 निकालेंगे उसमें हम प्राइजेस भी लेंगे बट साथ में वेट्स एज अ क्वांटिटी बोल के भी क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे, तब हमारा एक्चुअल में सही चीज़ें निकल के उभर के बाहर आएंगी। तो यहाँ पे वेट्स आएंगे, तो वेटेड एग्रीगेटिव इंडेक्स, वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव, एक एक करके हम देखते हैं। सो बेसिकली आपको देख रहा होगा तो ये पूरी कितनी मेथड्स हैं यहाँ पे, लास्ट स्पेस, पास से, डॉर्बीज, बाउले, डॉर्बीज एंड बाउले, मैं ऐसे अलग अलग नाम पढ़ता हूँ उसके आड़े देते ताकि आपको याद रहे, फीसर, मार्शल एजवर्थ, वॉल्स, केली, ऐसा वो नाम बोल रहे हैं, ठीक है ना। ऐसे हम एक एक मेथड क्या करते हैं, बढ़ेंगे, ठीक है। पहले और इसकी मेथड में से फर्क वही है, क्वांटिटीज, वेट्स। अब सर अलग 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 क्यों देके रखे सर, इसमें भी अलग अलग ऑथर्स ने अलग अलग कंसिडर करे वेट्स, एक्चुअली में मेथड तो वही है। देखो निकालना तो यहाँ पे भी हमको प्राइस रिलेटिव ही है, तो फॉर्मूला अगर बनाना है तो खुद डायरेक्टली भी बना सकते सर। बना निकालना क्या है, प्राइस रिलेटिव मतलब सर P01 मतलब P1 ऊपर आएगा सर, P0 नीचे आएगा। हाँ बराबर बात है, क्योंकि प्राइस रिलेटिव P01 निकालना है तो बेस ईयर को कंपेयर करना है करंट ईयर से, तो बेस ईयर मतलब P0 और करंट ईयर मतलब P1, तो वी आर कंसिडरिंग द बेस ईयर फ्रॉम द करंट ईयर। अब बात यहां पे क्या आ जाती है
कि यहाँ पे सर वेट्स भी आएंगे, तो बट ऑब्वियस बात है प्राइस के साथ क्वांटिटी को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो बेसिकली सर आप ऐसा बोल सकते हो इनटू क्यू भी होगा, क्यू स्टैंड्स फॉर क्वांटिटी एज अ वेट, वी आर कंसिडरिंग क्वांटिटीज एज अ वेट्स। सो क्वांटिटीज को यहां पे हम क्या बोलते हैं, वेट्स बोलते हैं। क्वांटिटीज को हम यहां पे क्या बोलते हैं, वेट्स बोलते हैं, ठीक है ना। अब सर अलग अलग मेथड्स जो आई है, ये अलग अलग मेथड्स का तात्पर्य क्या, ये अलग अलग मेथड्स क्या है, मतलब ये अलग अलग मेथड्स क्यों आई है, क्या रीजन है अलग अलग मेथड्स का। तो भाई साहब अलग अलग मेथड्स के अलग अलग रीजन है, समझ में आ रही बात, अलग अलग मेथड्स के क्या है, अलग अलग रीजन है। अलग अलग ऑथर्स ने अलग अलग मेथड्स क्या करी है, दी हुई है। कुछ ऑथर्स ने कुछ बात बोली है, कुछ ऑथर्स ने कुछ बात बोली है, ठीक है ना। तो बेसिकली सब ऑथर्स के जो ओपिनियन डिफरेंस आएंगे, यानी जो हमने लास्ट छे पास छे मार्शल एजवर्थ फिशर डॉल्बिज बाउले, ठीक है ना, केली वॉल्स, ये सारी जो मेथड्स देखी है, ये सब मेथड्स के अंदर जो अलग बात बोली गई होंगी वो सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी के कंसर्न में बोली गई होंगी। यानी क्वांटिटी एज अ वेट जो हम यूज करते हैं उस कंसर्न में, उस कंसेप्ट पे ये सारी बातें बोली गई होंगी। सर नहीं समझा हमको कुछ भी, आप क्या बोल रहे हैं। देखो हमको निकालना पी जीरो है, मैं एक बार फॉर्मूला वापस से रिमाइंड करा दे रहा हूं, हमको निकालना है पी जीरो, पी जीरो वन मतलब प्राइस रिलेटिव, बट प्राइस रिलेटिव वाइल कंसिडरिंग दी वेट्स ऑल्सो, वी आर कैलकुलेटिंग प्राइस रिलेटिव वाइल कंसिडरिंग दी वेट्स ऑल्सो। सो इफ मैं बात कर रहा हूं पी वन इंटू क्यू की अपन पी जीरो इंटू क्यू की, तो मेरे को सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट है कि मेरे को यहां पर फॉर्मूला क्या बनेगा मेरा, P1 अपॉन P0। अब P1 अपॉन P0 क्यों बोले, तो P1 अपॉन P0 इसलिए बोले क्योंकि P1 जो है वो प्राइसेस ऑफ करंट ईयर है, P0 जो है वो प्राइसेस ऑफ बेस ईयर है, ठीक है। तो हमको बट ऑब्वियस ही बात है ऑलवेज याद रखना P01 निकालना है, तो प्राइसेस ऑफ करंट ईयर अपॉन प्राइसेस ऑफ बेस ईयर ही हम कंसिडर करते हैं। बट साथ में यहां पे क्या आ जाती है, क्वांटिटीज, यही एक अलग चीज आ गई वेटेड्स में। और अब अलग क्या हो जाएगा, हर मेथड कुछ अलग क्या बोलेंगे, एक एक करके देखते हैं हम, ठीक है। तो यहां पे हम लोगों को अलग क्या देखना है, अब एक एक करके देखते हैं। सबसे पहली मेथड देखो लास्ट प्रेस मेथड, तो जो लास्ट प्रेस मेथड है वो क्या बोलती है कि भाई लास्ट प्रेस प्राइस इंडेक्स द बेस पीरियड क्वांटिटीज आर टेकन एज वेट्स, जो बेस ईयर की क्वांटिटीज है उसको क्या कर लो आप। So, ये जो लास्ट प्रेस मेथड है, ठीक है ना, तो लास्ट प्रेस मेथड के अंदर क्या है कि जो बेस पीरियड है आपका वो बेस पीरियड के हिसाब से वो क्या करते हैं, वेट कंसिडर करते हैं। ध्यान से सुनना एक बार, आखिरी पॉइंट अच्छे से सुनना, ठीक है ना, कि जो लास्ट प्रेस मेथड है, लास्ट प्रेस मेथड में अलग क्या होता है, अलग ये होता है कि लास्ट प्रेस वाली मेथड बोलती है कि भाई तुम जो वेट कंसिडर कर रहे हो वो वेट्स तुम बेस ईयर के कंसिडर करो, जो तुम वेट्स कंसिडर कर रहे हो वो वेट्स तुम कब के कंसिडर करो, बेस ईयर के कंसिडर करो। बेस ईयर के वेट्स का मतलब होता है यहाँ पे आप P1 into Q0, P0 into Q0 करो। सर नहीं समझा हमको, ये देखो हमने बोले into Q, जीरो का मतलब क्या हो गया, Q0, Q0, Q0 का मतलब क्या हो गया कि जो वेट्स हम कंसिडर कर रहे हैं, जो हम क्या कंसिडर कर रहे हैं, बेस वेट्स कंसिडर कर रहे हैं, दैट वेट शुड बी कंसिडर्ड कहां के, बेस ईयर के। सर दोनों में ऊपर भी नीचे भी, हाँ ये लास्ट प्रेस मेथड की वर्ड्स है। लास्ट प्रेस मेथड बोलती है कि भाई तुम P1 अपॉन P0 करो, लेकिन P1 इनटू जब बेस क्वांटिटी की वेट लेने की बात होंगी तो उस केस में आप क्या करो, आप उस केस में बेस ईयर की क्या लो, वेट्स लो। तो P1 इनटू Q0 उसका समेशन, और P0 इनटू Q0 उसका समेशन, क्लियर। तो P1 इनटू Q0 अपॉन P0 इनटू Q0 इनका समेशन आपको क्या करना है, निकालना, मतलब हो गया फॉर्मूला खत्म। बस अलग क्या आया, आपने एक चीज देखी कि इसने किसको वेट बोल दिया, बेस ईयर का वेट बोल दिया। अब नीचे अगर आप पाश्चे मेथड की बात करोगे तो पाश्चे मेथड में क्या बोलता है, हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, टेंशन मत लो। पाश्चे मेथड क्या बोलती है, पाश्चे मेथड क्या बोलती है, आप ध्यान से देखो, पाश्चे मेथड नीचे की बोलती है कि दी वेट शुड बी कवर्ड कंसिडर्ड एज ऑफ करंट ईयर, मतलब करंट ईयर के आपको क्या लेने पड़ेंगे, वेट। पी जीरो वन अगर आपको निकालना है लास्ट के बाद पाश्चे से, मैं नान मुस्किन के नाम आड़े टेढ़े बोलता हूँ, आप भी वही बोलना, याद रहते हैं। तो P01 जीरो वन इज इक्वल्स टू पी वन अपॉन पी जीरो इंटू Q01
अपॉन क्यू वन उसका समेशन। दोनों में फर्क क्या हो गया, एक जगह बोल रहा है क्यू जीरो को बेस मानो, एक जगह बोल रहा है क्यू वन को बेस मानो, बस। ऐसे ही अलग अलग मेथड्स हमको सारी देखनी है जो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, और फॉर्मूलेस भी उसके क्या करेंगे हम देखेंगे, सॉरी फॉर्मूले तो देखिए प्रॉब्लम भी सॉल्व करके देखेंगे। बट अगर आपको लगता है कि घर जाके आज मेरे से ये क्वेश्चन हो जाता है सॉल्व थर्ड नंबर का, तो कर लेना लास्ट पेपर प्लास्टिक के हिसाब से, कुछ खयास तो करना नहीं है। पी वन पी जीरो आपको पता है, क्यू जीरो क्यू वन पता है आपको, क्यू वन कहाँ पे लेना, क्यू जीरो कहाँ पे लेना वो पता है, मल्टीप्लाई करना, समेशन निकालना है, ट्राई तो करना, आया तो बहुत अच्छा, नहीं तो मैं तो कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में। टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जय हिंद, थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय। अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट।